तो वही कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा कार्यक्रम में वो सम्मिलित होने पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका स्वागत इस दौरान किया गया। बुलंदशहर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अनूपशहर में राशन गोदाम को सील कर दिया गया है, चावल से भरा ट्रक को भी सीज किया गया है। आपूर्ति निरीक्षक को इसकी सूचना मिली थी, सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। दरअसल आपको बता दें कि अनूप शहर में राशन गोदाम को सील कर दिया गया है, चावल से भरा ट्रक को भी सीज कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बुलंदशहर का ही पूरा मामला बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अनूपपुर शहर में राशन गोदाम को सील कर दिया गया है, चावल से भरा ट्रक को भी सीज कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीज किया गया। आपको बता दें कि आपूर्ति निरीक्षक को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद इस सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इसके साथ ही गोदाम को भी सीज कर दिया गया है, उसकी तस्वीर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी के बाद तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस उसके बाद सीज की कार्रवाई की जाती है। अनूपपुर शहर में राशन गोदाम को सीज किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चावल से भरा ट्रक को भी सीज कर दिया गया है। तो देखिए कितनी मात्रा में यहाँ पर चावल बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। आपूर्ति निरीक्षक को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद इसकी सूचना आगे फॉरवर्ड की गई और अब ये बड़ी कार्रवाई, सूचना मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मौके पर पहुंचकर गोदाम को सील कर दिया गया है और इसके साथ ही चावल से भरा ट्रक को भी सीज कर दिया गया है। कितनी मात्रा में यहाँ चावल बरामद हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक जिसको सीज किया गया है, गोदाम से भी भारी मात्रा में सामान बरामद हुए हैं। हालांकि कितना सामान बरामद हुआ है इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो यही कि भारी मात्रा में यहाँ चावल बरामद किए गए हैं, जिसके चलते ट्रक को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही अनूपपुर शहर में राशन गोदाम को भी सील कर दिया गया है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।